आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था क्या करें देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया जिसके पास इसकी समझ ही ना हो उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है तुम्हें माता पिता तो तुम्हें बंधु सखा तो किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है और इस देश के इतिहास को लोगों के योगदान को उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है मरोड़ना है लोग बिक्रम सारा भाई को याद कर रहे थे तो बिक्रम साहब सारा भाई का परिवार भी तो है मल्लिका सारा भाई तो है मल्लिका सारा भाई आज भाजपा के खिलाफ बोल रही है कि नहीं बोल रही है इसका पड़ताल करना चाहिए अक्सर यह क्या करते हैं कि दूसरे के काम को और दूसरे के मकान को अपना साबित करने में लगे रहते हैं नाम लिखते रहते हैं मैं आप तमाम महान बंगाल की भूमि के एक एक आदरणीय बुजुर्गों को नौजवान दोस्तों को माताओं बहनों को किसान मजदूर भाइयों को नौकरी करके बिजनेस करके मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एक एक मेहनत कस आवाम का क्रांतिकारी इस्तेकबाल करता हूं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे लिए बड़े गर्व का क्षण है बड़ी सुखद अनुभूति है कि आज 28 अगस्त है और आज ही के दिन भारत के छात्र आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक छात्र संगठन की स्थापना बंगाल की भूमि पर श्री अतुल जी और विधान जी के नेतृत्व में हुआ था और ये अपने आप में बड़ा शानदार संयोग है कि आज अतुल्य जी का जन्म दिवस भी है ये एक महान संयोग है दोनों महान नेताओं को बंगाल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाने वाले इन दोनों महान नेताओं को हम नमन प्रस्तुत करते हैं उनको याद करते हैं मैं बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंगाल इकाई और एनएसयूआई की छात्र परिषद की जो बंगाल इकाई है उसके नेतृत्व के तमाम साथी जो मंच पर मौजूद हैं उनको आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं, बंगाल के जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हैं और उन तमाम राजनीतिक व्यक्तियों को जो किसी ना किसी रूप में इस देश के भीतर जो देश को इकट्ठा रखने वाली विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं उसको सहयोग करते हैं उनको आभार प्रस्तुत करता हूं इस मौके पे हम आभार प्रस्तुत करना चाहते हैं हमारे आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी का नेता प्रतिपक्ष और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी बीपी सिंह जी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति रखी है और आप सब लोग का भी मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ये टिफिन टाइम है ना ए, एक से चार जो है एक से चार कलकत्ता में टिफिन टाइम होता है तो बिना औपचारिकता के मैं फॉर्मेलिटी में ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे जो देश के भीतर राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उस पर अपनी कुछ बात रखूंगा और इतिहास में जो छात्र आंदोलन की भूमिका रही है जो छात्र परिषद की भूमिका रही है उस विषय में उन तमाम लोगों के तमाम कार्यकर्ताओं के नेताओं के जो कार्य रहे हैं उसको स्मरण करूंगा मुझे एक सीनियर लीडर पूछ रहे थे अब्दुल सत्तार साहब कि जो है कब आए हैं पहली बार आए हैं तीसरी बार आए हैं महाजाति सदन में पहली बार जब मैं आया था तो मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हुआ करता था तब अब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेंबर हूं और आपके लिए ये बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं इस देश में छात्र आंदोलन के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है मैं उन्नीस की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था और इस देश में जितना भी जनवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील मास ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई उस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था और यह जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम छात्र परिषद को याद कर रहे हैं तो इस देश का पहला छात्र संगठन जब 1936 में बना था तो उसका अध्यक्षीय भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे आजादी के आंदोलन का इतिहास रहा हो या आजादी के बाद या आज की अगर आप बात करें 2014 से एक नया इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है लोग कहते हैं जो भाजपा के हैं भाजपा से मेरी बड़ी जबरदस्त रहती है जो समझ लीजिए तो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि देश का इतिहास 2014 से शुरू हुआ है अभी आप सब लोगों ने देखा पूरी दुनिया ने जो है भारत वर्ष को बधाई दी पूरे देश ने सेलिब्रेट किया कि हमारा चंद्रयान थ्री जो है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है और लूनार लैंडिंग करने में हम पहले देश हैं जो सफल हुए हैं तो उस दौरान भी आपने एक चीज देखा होगा बार 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 और मैं मीडिया के साथियों से कहता हूं कि आप बुरा मत मानिएगा हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं आप तो नौकरी कर रहे हैं हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था क्या करें देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया था जिसके पास इसकी समझ ही ना हो उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है तो मैं माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है और इस देश के इतिहास को लोगों के योगदान को उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है मरोड़ना है लोग बिक्रम सारा भाई को याद कर रहे थे तो बिक्रम साहब सारा भाई का परिवार भी तो है मल्लिका सारा भाई तो है मल्लिका सारा भाई आज भाजपा के खिलाफ बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं इसका पड़ताल करना चाहिए अक्सर ये क्या करते हैं कि दूसरे के काम को और दूसरे के मकान को अपना साबित करने में लगे रहते हैं नाम लिखते रहते हैं नमस्कार मैं हूं अहमद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद